हाय स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक लेते हैं कनाडा, क्योंकि कनाडा में हमारे नॉर्थ से मैक्सिमम बच्चा जो है कनाडा के हैं, और अब उनका फ्रेंड सर्कल जो बच्चे जाने वाले हैं या उनके रिलेटिव्स वहाँ पे जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों का काफी जो रुझान है वो कनाडा की तरफ रहता है। कुछ क्वेश्चन बच्चों को फिर भी क्लियर नहीं होते कि कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी उनके लिए बेटर है, एकेडमिक परसेंटेज क्या चाहिए। अभी क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें भी बहुत कंफ्यूज कर रखे हैं। आपको पता है कि अभी जो है नेक्स्ट इंटेक के लिए IELTS, PTE, CELPE एंड TOEFL ये सारे ही टेस्ट जो है SDS के अंडर आ चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है कि आपको जो कंफर्टेबल टेस्ट लगता है आप वो दे सकते हैं। इस टेस्ट के ऊपर भी हम नेक्स्ट टाइम काफी डिटेल में बताएंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इनमें से एक दो टेस्ट ऐसे हैं कि जिन पे बेस्ट स्कोर को काउंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए STS में IELTS 6 बैंड ईच चाहिए था, तो आपको हर बार पेपर देना पड़ रहा था। जैसे TOEFL है, मान लीजिए आपने एक बार पेपर दिया उसमें 6 से कम एक टेस्ट में आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आप जो दे रहे हो उसमें जो अभी कम आया उसमें वो ज्यादा आ गया, तो आपका वो बेस्ट वाला ही दोनों टेस्ट के जो बेस्ट स्कोर है वो उठा के आपका वो एक कंबाइंड स्कोर बनाते हैं, तो वो आपको एक कंफर्टेबल हो जाता है। तो अब IELTS पे खाली अब डिपेंडेंट नहीं हो, आपको अगर PTE कंफर्टेबल लगता है, CELPE कंफर्टेबल लगता है या TOEFL कंफर्टेबल लगता है, तो आप किसी भी टेस्ट को ले सकते हो। दिस इज वेरी गुड न्यूज। अब सेकेंड ये आ जाता है, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ ये नहीं है कि आपका 3 साल का गैप प्लस टू के बाद एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 साल करके काम करके 26-27 ईयर हो गए, और उसमें हमने पता नहीं कितनी हजारों फाइलें लगाई हैं स्टूडेंट्स की, और वीजा सक्सेस रेट हमने 99% बच्चों को दी है, 4-4, 5-5 रिजेक्शन लेके बच्चे आते हैं जिनको हमने सक्सेसफुली वीजा कराया है। वो इसलिए करा पाए क्योंकि टेक्निकल नो आउट बड़ी जरूरी है। आप जिस कोर्स में जा रहे हैं, आप मान लीजिए सबसे बड़ा कैनेडा में क्या है कि ज्यादातर 90% कॉलेजेस को मैथ चाहिए। अब जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो ऐसा कोर्स कई बार ले लेते हैं जो उनकी पढ़ाई से रेलिवेंट नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ा जो आपका वीजा रिजेक्शन का रीजन बनता है, जो कि हमने बड़े कंफर्टेबली देखना कि आपके कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे थे पिछली बार, और अगली बार जो ले रहे हैं कैनेडा में ले रहे हैं कॉलेज, तो उसमें उससे रेलिवेंट हम कोर्स चूज करते हैं और उसके हिसाब से ही चूज करते हैं। अगर मान लीजिए एकेडमिक परफॉर्मेंस कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं अच्छे, कुछ में अच्छी है, अगर रेलिवेंट आपका जो वहाँ का कोर्स है उससे रिलेशन में होगा, तो आपका कभी भी वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। सेकेंड, अगर आपने फाइनेंशियल डिक्लेरेशन प्रॉपर दी है तो भी आपका वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर हम बात करें ना कोई गैप की प्रॉब्लम है, अगर आपने गैप जस्टिफाई किया, ये नहीं कि उठा के कह रहे कि 5 साल हमने कुछ नहीं किया, गैप जस्टिफाई कर पाएंगे अगर आप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये सब चीजों की प्रॉब्लम होती है कि आप 1 साल से ज्यादा गैप को जस्टिफाई करेंगे तो भी नहीं यूनिवर्सिटी लेती, लेकिन कनाडा उस चीज के लिए कंफर्टेबल। हाँ, यहाँ ये भी नहीं है कि 3 मंथ्स ओल्ड फंड दिखाओ या 6 मंथ ओल्ड फंड दिखाओ। आपने 1 ईयर के लिए GIC देना है $10,200 और 1 ईयर की फीस देनी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल। अब हम जो मेन बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं जो मैरिड है बच्चे और वो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो कनाडा में आप विद स्पाउस विद किड्स आप जा सकते हैं, और उसमें ये कोर्स की कोई वो नहीं है कि कौन से कोर्स में जाना है। हाँ, आपका जो कॉलेज है या आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट होने चाहिए, तो आप फैमिली को लेके जा सकते। जो फैमिली वाले बंदे डरते हैं कि हमारा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए अगर फैमिली साथ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इकट्ठे मिलके फाइल को लगा सकते हैं और जिसमें वीजा की भी आपके आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये तो डर वाली कोई बात ही नहीं है कि हमने जो है अलग अलग फाइल लगानी है, और बच्चा भी आपके साथ जा सकता है। खाली जो है, हाँ, अब वीजा कौन सा होगा, स्पाउस है उसका आपका डिपेंडेंट वीजा ओपन वर्क परमिट होगा,
बच्चा अगर आपका बहुत छोटा है, 2 से 3 साल का, तो विजिटर लगेगा, 5 साल से कम बच्चे का, उससे ऊपर है तो उसका भी स्टडी वीजा लगेगा। तो आपके लिए ये, मेरे ख्याल मैंने आज ये डर निकाल दिया कि आप फैमिली के साथ नहीं अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, खाली कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लाइक होने चाहिए। अगर हम आप बात करें इनटेक की, तो जैन इनटेक के लिए अभी सीट्स ओपन है, आप उसमें कर सकते हो। जैन इनटेक के भी काफी सारे कोर्सेज क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो बहुत जल्दी, जितने भी कोर्सेज हैं वो क्लोज होने में टाइम नहीं लगना, तो आप उसका मेरे ख्याल जल्दी डिसीजन लो। अगर आपने आईएलटीएस कर लिया या जो भी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं अगर आपने कर लिए हैं, तो आप उसका ऑफर लेटर मंगा के रखो, नहीं तो सीट सब क्लोज होने वाली है। आप कौन से कोर्सेज में करें, ये बहुत मुद्दे की बात है, और कौन से प्रोविंस में करें। अगर मैं आज, जब से मैंने ई मीडिया का सिस्टम आया है, तब से अगर आप मेरे पुराने प्रोग्राम्स भी निकालेंगे, मैंने हमेशा कहा कि आप हमेशा रिमोट एरिया में अप्लाई करें, जहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंसी आपको इजीली मिलती है, अगर आप परमानेंट प्रेसिडेंसी चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो चलो आप कोई भी एरिया में जाइए, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ से कहते मेरा रिलेटिव टोरंटो में रहता है, वहां जाके फिर आप चेंज करते हैं, सस्केचवन जाते हैं, अल्बर्टा जाते हैं, या फिर अभी नोवा स्कोशिया का बहुत चल रहा है, पीआई का बहुत चल रहा है, तो आप ये पहले ही डिसीजन लेके जाइए। मान लीजिए आपने वहाँ 2 साल पढ़ के परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर दी, अदरवाइज आप वहां जाके पहले ही टोरंटो 1 साल जाएंगे, फिर 2 साल उधर लगाएंगे, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे पास एक कोर्स है जो बहुत अच्छा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लस टू आर्ट्स वाला बच्चा भी जा सकता है, कोई भी बच्चा उसमें जा सकता है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर के बच्चे जा सकते हैं। उसमें आपने 6 महीने पढ़ना है, उसके बाद टोटल टाइम का आपको जो है पेड इंटर्नशिप लगेगी, 2 ईयर्स का कोर्स है, 6 महीने पढ़ना है, 1.5 साल की आपकी पेड इंटर्नशिप है, और उसके बाद आप पीआर के लिए इमीडिएट अप्लाई कर सकते। ये भी आपका जो है नोवा स्कोशिया साइड है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सेटलमेंट बहुत इजी है, फीस पर एनम 15 से 20 हजार डॉलर है, जो कि मेरे ख्याल से भी बहुत सस्ता आपका पड़ जाता है। तो इससे अच्छी ऑप्शंस नहीं आपको मिल सकती हैं। एक और यूनिवर्सिटी है जो कि नोवा स्कोशिया में ही है, हाँ मेरे को देखना पड़ेगा, उनमें अगर बच्चे का 80% आता है तो उनकी तरफ से स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, मैथ्स कंपल्सरी है उसमें, लेकिन अगर 3 इयर्स आप अपने 80% मेंटेन करते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, या 4 साल जो भी कोर्स है, तो आपको यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, जो कि 1,00,000 पाउंड फीस है। 1,00,000 पाउंड मतलब अगर आपने प्रोफाइल मेंटेन किया तो $1,00,000 एक किस्म से यूनिवर्सिटी आपको दे रही है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे ख्याल उसको समझाने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसका नाम है, और उससे बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी बहुत मतलब इक्विवेलेंट काम है, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इसलिए कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ना है, क्या कोर्स लेना है, ये आपको काउंसलिंग के बाद ही पता चलता है। आजकल जो कोर्सेज जो आने वाले टाइम के आईटी के कोर्सेज की मैं बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको AI बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, तो ये कोर्सेज तो आने वाले 15 से 20 साल जिनके डिमांड रहनी रहनी है, और अभी उनके बंदे नहीं मिल रहे, तो मान लीजिए एक बंदे को IT में $50,000 से $60,000 मिल रहे हैं, लेकिन जो कोर्सेज मैंने बताए हैं, अगर बच्चा उसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है या मास्टर्स कंप्लीट करता है, तो $50,000 से $60,000 की बजाय उसको $1,00,000 तक, मतलब ये कंपैरिजन बता रही हूँ कि 40-50% तो इमीडिएट या उससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है, और पढ़ते पढ़ते कैंपस प्लेसमेंट हो रही है इन कोर्सेज में। ऐसे इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड योर चॉइस वी हैव टू फाइंड दिस कोर्सेज।